नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं विरय अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद हमारे हेल्थ के बारे में हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमेशा के लिए उस बातों का ध्यान रखा जाए तो ऑपरेशन के बाद हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। ऑपरेशन में हमें जो नई किडनी मिली है वरदान के रूप में, उसको हम अच्छी तरह से संभाल पाते हैं और वो ज्यादा सालों तक अच्छे से काम करती है। उसमें सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात आती है डाइटिंग, यानी कि हमारा खाना पीना किस तरीके का होना चाहिए। वैसे तो पहले भी हमने ऑपरेशन के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसके ऊपर ये एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेलिंग में बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स में इसके बारे में सवाल पूछते रहते हैं। तो जैसे कि पहले हमने जो वीडियो में बताया था वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको फटाफट बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ कि कौन सी चीजें आपको नहीं खानी है। खास करके आपको ज्यादा फैटी यानी कि ज्यादा फैट वाला खुराक नहीं खाना है, ज्यादा ऑयल वाला खुराक नहीं खाना है। ऑयल वाला इन द सेंस कुछ भी आप तड़का लगाते हैं उसमें ज्यादा ऑयल नहीं आने चाहिए, नॉर्मल से ऑयल होंगे तो वो चलता है। ज्यादा फ्राइड चीजें आपको नहीं खानी है यानी कि उसमें ऑयल नहीं आना चाहिए आपके खाने में, ठीक है। और दूसरा फैट वाला फूड, उसमें घी बटर चीज वाले खाने आपको नहीं खाने हैं। फिर आता है कि आपको ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाने, हाँ टेस्ट के लिए कभी कभी खा लिया ठीक है, और जिस दिन खाओ उस दिन पानी आपको डबल पीना है, ये बात का भी आपको ख्याल रखना है। और फिर भी मैं तो ये सजेशन दूंगा आपको कि जितना मसालेदार खाना आप कम खाओगे उतनी ज्यादा आपकी किडनी चलेगी। देखो जब भी आप मसालेदार या चीज वाला बटर वाला स्वादिष्ट टेस्टी खाना खाते हो तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आप तो ऐसा सोचते होंगे कि मैंने खा भी लिया था, बहुत बार खाया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। दोस्तों रातों रात पता नहीं चलता कि आपकी किडनी में क्या चेंज आ रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कम खाओगे तो आपकी किडनी ज्यादा सालों तक अच्छी रहेगी, आप ज्यादा सालों तक हेल्दी रहोगे, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना है ज्यादा सोल्टी ज्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना है, नमक वाला तो नहीं खाना है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि खाना खाने के बाद जब आपको नमक कम लगता है, जब आपको टेस्ट कम आता है, तब आप ऊपर से नमक छिड़कते हो, ये तो उससे भी ज्यादा डेंजर है। तो आप कम नमक की आदत डालें, अगर नमक कम रहेगा तो किडनी आपकी ज्यादा सालों तक अच्छी रहेगी, अच्छे से आप हेल्दी रह के जी पाओगे। तो ये थोड़ी बेसिक सी बातें थी जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको नॉनवेज कम से कम खाना है। क्यों? क्योंकि नॉनवेज में दोस्तों बहुत सारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोटीन तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन नॉनवेज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और वो एक साथ खाने में उसका ओवरडोज होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितना आपका प्रोटीन होता है उतनी सामने एक्सरसाइज होनी चाहिए। कुछ लोग नॉनवेज तो खाते हैं लेकिन सामने उसकी एक्सरसाइज नहीं होती तो वो क्या होता है, वो प्रोटीन किडनी में लोड पड़ता है। किडनी में जितना लोड पड़ेगा उसकी कार्यक्षमता, उसकी काम करने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि किडनी जब पहली बार फेल होती है उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण गिना जाता है ज्यादा नॉनवेज का खाना। अगर आप ज्यादा नॉनवेज खाते हो, कोई एकदम स्वस्थ इंसान भी बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है और उसके सामने उसकी उतनी एक्सरसाइज नहीं है तो वो उसकी किडनी फेल भी कर सकती है। तो ऑपरेशन के बाद तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम नॉनवेज खाए, हो सके तो नॉनवेज खाना बिल्कुल ही छोड़ दे। फिर मैं आगे बात करूंगा कि आपको अंडर कुक खाना यानी कि बराबर से पका हुआ ना हो ऐसा खाना नहीं खाना है। वेजिटेबल आपको कच्ची कोई भी वेजिटेबल नहीं खानी है, वो ठीक से पकी हुई होनी चाहिए। कच्चे जो अनियन होता है, कच्चे कांदे, वो खाने की बहुत लोगों को आदत होती है। स्वस्थ इंसान खाएगा तो चलेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपको इस तरह का रॉ मटेरियल रॉ फूड पका हुआ जो खाना नहीं होता वैसा नहीं खाना है, ठीक है। टमाटर कच्चे खाते हैं कुछ लोग ककड़ी जो खीरा आप लोग बोलते हो वो कच्चे खाते हैं, तो अब नहीं खाना है। ये कच्ची खाई जा सकती है, ऐसी चीजें हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये खाना अच्छा नहीं है, तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। पका हुआ खाना खाना है और वो भी गर्मा गर्म, ऐसा नहीं कि सुबह का बना हुआ आप शाम को खाए, शाम का बना हुआ आप दूसरे दिन सुबह में खाए, ऐसा अब नहीं करना है। आपको हेल्दी रहना है, इसका मतलब आपको पका हुआ खाना और वो भी अभी अभी ताजा बना हुआ खाना हमेशा खाना है, तो ये बात का भी आप हमेशा याद रखना। और उसके बाद एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों की आदत होती है, सोडा पीने की। दोस्तों सोडा के बारे में पहले मैंने कोई भी वीडियो में कुछ भी नहीं बताया हुआ है, लेकिन सोडा जो होता है वो इंस्टेंटली बहुत मजे देता है, अच्छा लगता है सोडा पीने में। क्योंकि उससे क्या होता है, सोडा में जो गैस आता है उससे हमारा ब्लड उबलता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड होता है। एक्चुअली हमारे बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सोडा पीते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ब्लड उबलता है,
एक्साइटमेंट लगता है, कुछ अच्छा लगता है, टेस्ट उसका अच्छा आता है, लेकिन वो किडनी पे बहुत ज्यादा ही लोड करता है, क्योंकि जब आप सोडा पीते हो तब ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है, तो वो किडनी के लिए अच्छा नहीं है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए उसके बारे में बहुत कुछ है जो मैं दूसरे पार्ट में बोलने जा रहा हूं, तो आप ये दूसरे पार्ट वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिए।